एनेस्थीसिया जब भी सर्जरी या ऑपरेशन होता है उस टाइम पर दिया जाता है। एनेस्थीसिया में जो भी ड्रग्स यूज होती हैं, उनको एनेस्थेटिक एजेंट्स कहा जाता है। ये पेशेंट को सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि जिससे सर्जरी के टाइम पर उसको आराम मिल सके, यानी कि वो अनकॉन्शियस हो जाए और उसको दर्द में आराम मिले और कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ये चार टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है जनरल, दूसरा है सेडेटिव, फिर आता है हमारा रीजनल और चौथा है हमारा लोकल। जनरल एनेस्थेटिक्स की बात करें तो जब ये पेशेंट को दिया जाता है वो पूर्ण रूप से अनकॉन्शियस हो जाता है, उसको कोई सूझबूझ नहीं होती है और ये हमारा आईवी और इनहेलेशन रूप से दिया जाता है। अगर सेडेटिव एनेस्थेटिक्स की बात करें, इसके अंदर सेडेटिव एजेंट्स यूज किए जाते हैं और इसका प्रभाव जनरल एनेस्थीसिया के कंपैरिजन में कम होता है। बात आती है रीजनल एनेस्थीसिया की, तो जब ये पेशेंट को दिया जाता है तो पेशेंट कंप्लीटली अनकॉन्शियस नहीं होता है, उसको थोड़ी बहुत सेंस होती है। अब बात आ जाती है लोकल एनेस्थेटिक्स की, तो जब ये पेशेंट को दिया जाता है वो स्पेसिफिक एरिया पे लगाया जाता है, उस पर्टिकुलर पार्ट को ही सुन किया जाता है और वो पूर्ण रूप से कॉन्शियस होता है। इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया के साथ।